कार मैकेनिक भाइयों, ये आई हुई है अपने पास हीरो की HF डिलक्स BS6 FI वेरिएंट। इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि इसकी टंकी की मोटर नहीं चल रही है और ये टक टक करके बंद हो जाती है। बस स्विच ऑन करते हैं तो इसकी टंकी की मोटर वर्क नहीं कर रही है। तो आज टंकी की मोटर को किस तरह से रिपेयर करें और किस तरह से देख के चेक करें कि अपनी HF डिलक्स बाइक स्टार्ट हो जाए, तो आज सारा सब कुछ क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। और निकालते हैं इसकी टंकी की मोटर को। तो सबसे पहले अपने को इसके दोनों तरफ के पैनल और सीट ओपन कर लेनी है। तो इसको ओपन करके फिर दिखाते हैं आपको सब कुछ सारा, किस तरीके से मोटर को रिपेयर करना अपने को। और एक बार मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ कि किस तरीके से ये साउंड कर रही है। जैसे इस बाइक का स्विच ऑन करते हैं तो ये देख सकते हो इसके टंकी के नीचे से आप सुन सकते हो टक टक की जैसी आवाज़ आती है। तो आपको इस फ्यूल पंप को कैसे सही करना है वो इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो अपन इसकी टंकी को ओपन करते हैं और फ्यूल पंप को बाहर निकालते हैं। तो इधर से भी आपको जो इसका यूटिलिटी बॉक्स होता है, पावर बॉक्स होता है, उसको पहले ओपन करना। पहले भी कुछ काम हुआ था तो देख सकते हो इसका इंजेक्टर का ये जो पाइप वाला है क्लिप है, ये भी थोड़ी बहुत डैमेज है। तो इसको पहले ओपन करते हैं। आपको इस पाइप को यहाँ से थोड़ा बहुत पुश करना है, यहाँ से दबाना और इसको इसे खींच लेना है। ये देखो ये बिल्कुल सही से निकल चुका है। अब आ रही है इसकी टंकी को उतारने की। तो इसकी टंकी को उतार के फिर दिखाते हैं आपको फ्यूल पंप को बाहर निकाल के। अंदर की तरफ से जो इसका कैनिस्टर लगा होता है, इस वाली पाइपलाइन को भी आपको निकाल लेनी है। और जो ये यहाँ पे फ्यूल पंप की कपलर लगा होता है, इसको भी आपको इस तरीके से निकाल लेना बाहर। तो टंकी को बाहर निकला जाएगी अपनी। तो ये बाइक से हमने टंकी को ओपन कर लिया है। अब बारी इसके फ्यूल पंप को निकालने की। तो भाई अपने पास आ चुकी है टंकी। और अब अपने को जिसके ये 8 नंबर की टामी से ये पूरे बोल्टों को ओपन कर लेना और फिर इसके फ्यूल पंप को बाहर निकालेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि इसको किस प्रकार से सही करना है। तो हमने इसके जो 8 नंबर के बोल्ट हैं इनको ओपन कर लिया है। अब बारी है इसको फ्यूल पंप को निकालने की। तो इस प्लेट को पकड़ो पहले, और ये अपना फ्यूल पंप, ये इसका फ्यूल पंप। तो फ्यूल पंप को भी बड़ी आसानी से बाहर निकाल लेंगे इसके। और आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये इसका फ्यूल पंप आ गया अपने पास। ये इसका फ्यूल पंप अपने हाथ में आ चुका है। ये थोड़ा इसका फिल्टर है, ये भी थोड़ा डस्टली हो रहा है, तो अपन इसको भी सही करने वाले हैं और फिर इसको चेक करके दिखाएंगे आपको। तो इसको करते हैं ओपन, किस तरीके से ओपन करना है। सबसे पहले तो अपने को इस पीछे वाले कपलर को निकालना है। तो इस कपलर को निकालने के लिए अपने पास एक तो ये इधर का है लॉक, और एक ये इधर का लॉक ओपन करना होगा अपने को, और एक ऊपर वाला, और फिर आसानी से निकल जाएगा। इस तरीके से अपने को इसको निकाल लेना है। और ये इसका फिल्टर वाला, तो फिल्टर वाले भी ये एक लॉक इधर आता है, एक इधर आता है। तो आपको इसको भी इस तरीके से ओपन करके बाहर निकालना है। ये इसका कपलर निकल गया, ये इसका फिल्टर आता है, तो फिल्टर को भी अपने को थोड़ा बहुत वॉश करना है। और आपको जो ये वाला रबड़ देख रहे हो, ये इसकी सील है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। और अब बारी है फ्यूल पंप को बाहर निकालने की। तो फ्यूल पंप को बाहर निकालने के लिए अपने को एक तो ये वाला, ये तीन लॉक इसके हैं, तो ये तीनों लॉक भी ओपन करके इसको बाहर निकालना होगा। इसका कपलर ये निकल चुका, तो अपने को जो यहाँ पे जो ये वाला फिल्टर है इसको भी पूरी तरीके से ओपन कर लेना, इस तरीके से लेना। और ये वाली टामी लेनी है आपको ऐसी, तो यहाँ पे रख के आपको इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चोट मारनी है मामूली, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये हमने इसके एक दो चोट मार दी है। अब भी बारी है इसको चेक करने की। तो बाइक में ले जाके इसको इसका कपलर लगा के फिर चेक करके फिर दिखा। इग्निशन ऑन करते हैं,
ये देख सकते हो ये मोटर चल चुकी है। एक बार फिर से करते हैं, ये देख सकते हो चल चुकी है मोटर। मोटर तो चल चुकी है, लेकिन अब इसका अपने को ये वाला फिल्टर भी खोल के साफ़ करना है कि कोई कचरा वचरा ना आए। तो अपने को सारी सब कुछ क्लियरिटी देख के ही फिर इसको टंकी के अंदर फिट करेंगे। तो आपके पास भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप इस तरीके से इसको सही कर सकते हो। यहाँ पे टाइमिंग लगानी है और एक दो चोट मारनी है आपको, क्योंकि इसका अंदर का रूटर जाम हो जाता है। इसलिए हमने इसकी पूरी तरीके से सफाई कर ली है और इसके थोड़ा बहुत प्रेशर भी मारा है हमने। तो अब करते हैं इसको फिट और टंकी के अंदर डालकर चला के दिखाते हैं आपको, बाइक को स्टार्ट करके दिखाते हैं। हमने इस टंकी के अंदर मोटर को फिट कर दिया है। अब बारी है इसका इग्निशन ऑन करके टंकी के फ्यूल पंप की सप्लाई देखनी है अपने को कि प्रेशर के साथ फ्यूल आ रहा है या नहीं। तो हमने ये बॉटल लगा ली है नीचे, अब इसका इग्निशन ऑन करते हैं। तो ये देख सकते हो इसमें फ्यूल आ रहा है, यानी कि अपनी टंकी की मोटर सही से वर्क कर रही है। तो अब आ रही है इसके कपलर को इंजेक्टर में लगाने की, और इंजेक्टर में लगाकर बाइक को बिल्कुल आपके सामने एकदम सही तरीके से स्टार्ट करते हैं। इसका कपलर बैठ चुका है और ये हमने कर दिया इसका इग्निशन ऑन। तो आपको दो तीन बार चाबी को ऑन ऑफ करनी है इस तरीके से, ताकि जो भी यहाँ पे इस पाइप के अंदर एयर वेयर आए वो कम्प्लीटली सही हो जाए। तो तीन चार बार इग्निशन को ऑन ऑफ करना है इस तरीके से, और फाइनली आपको बाइक को स्टार्ट करना है। ये हमने इसका इग्निशन ऑन कर दिया है और ये अब इसके किक मारते हैं। तो ये अपनी बाइक स्टार्ट हो चुकी है, एक किक में स्टार्ट अपनी बाइक, ये देख सकते हो, यानी कि इसका फ्यूल पंप सही से काम कर रहा है। तो आप इस तरीके से इसकी फ्यूल मोटर को रिपेयर करके चला सकते हो। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।